ये जो वायरिंग है विंडो एसी का है, ठीक ना, जो नॉन इन्वर्टर पीसीबी प्लेट वायरिंग कनेक्शन डायग्राम है। ये हमो का रोटरी कंप्रेसर है, ठीक है, और ये कंडेंसर है, और कंडेंसर जो 50+6 mfb का है जी सर, जो इसमें डबल कैपेसिटर इनबिल्ट है। एक कैपेसिटर जो होता है फैन मोटर को कंट्रोल करेगा, और एक कंप्रेसर कंप्रेसर कंट्रोल करेगा। जो 50 वाला है कंप्रेसर के लिए, कंप्रेसर के लिए, और जो 6 वाला है ब्लोअर मोटर के लिए, ब्लोअर मोटर के लिए। ये हम लोगों का सिंक मोटर है। कौन सा मोटर है? सिंक मोटर। और ये हमारा 230 वोल्ट सप्लाई है, एसी सप्लाई है। और ये हम लोगों का रोटरी कंप्रेसर है। अब यहाँ से रोटरी कंप्रेसर है, और ये हम लोगों का ऊपर विंडो एसी में फैन मोटर, सिंक मोटर और रोटरी कंप्रेसर, इन्हीं तीनों डिवाइस को हम लोगों को चलाना है, और भी पीसीबी प्लेट के माध्यम से, ठीक है। तो हमारा सप्लाई जो है 230 वोल्ट के यहाँ पर है, फेस न्यूट्रल एंड ग्राउंड, ग्राउंड को बॉडी में दे देते हैं, ताकि किसी प्रकार को लोग कोई करेंट को दिए तो ऑब्जर्वेशन हो बॉडी में, और किसी प्रकार कोई करेंट किसी को ना आए। फेस सप्लाई जा रहा है, ये हम लोग पावर रिले है, पावर रिले में सप्लाई ये होती है और आउट होती है, ठीक ना। यहाँ सप्लाई इन हो गई है, फेस सप्लाई, और यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई, यहाँ पे कंडेंसर में जा रहा है, और यहीं से सप्लाई न्यूट्रल की इस भी प्लेट में हो रहा है। यहाँ पे हो गया फेस, और यहाँ पे हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल ये न्यूट्रल अब नॉर्मली हम लोगों का देखिए, ये हम लोगों का फ्यूज है, फ्यूज के या फेस सप्लाई अंदर अंदर पीसीबी के फ्यूज के माध्यम से चारों तरफ क्या हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई कनेक्टर लगी हुई है, और यहाँ से फेस का इनपुट है, और ये क्या है आउटपुट है ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर का जो तार है प्राइमरी वाला यहाँ लगेगा, और सेकेंडरी वाला यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर सप्लाई मिल रही है इसको कितना, इधर आउट कितना हो रहा है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट एसी आउट करेगा, ये ट्रांसफार्मर का करता है। 12 वोल्ट एसी सप्लाई आकर यहाँ आउट करेगा, कनेक्टर लगा है, कनेक्टर के माध्यम सप्लाई इसमें चली जाएगी, और यहाँ से सप्लाई आ रही है। ये हम लोगों का रेक्टिफायर जो आएगा आईसी है, या क्या है आईसी, चार टर्म वाली आईसी हम लोगों का। ये आईसी का जिधर इधर ऐसा सिंबल बने रहेगा, वहाँ पर फेस टू फेस सप्लाई क्या हो जाएगी, आगे जुड़ जाएगी, और इस आईसी के दूसरे सिरे पर प्लस और माइनस सिरे लिखा होगा, वहाँ पर क्या जुड़ेगा, प्लस और माइनस का सप्लाई हम लोग इधर की ओर जा रही है। बीच में लगा हुआ है कंडेंसर जो सप्लाई को फिल्टर करने का कार्य करता है, करेगा, सुना है ना। यहाँ से फिल्ट्रेशन करने के बाद अभी डीसी भाग हम लोग का हो गया, कौन से भाग, डीसी, अभी डीसी भाग। इधर आईसी तमाम लगे हुए सभी में सप्लाई, ट्रांजिस्टर मार्केट के जरिए जो सप्लाई है चारों तरफ जा रही है, और जाने के बाद यहाँ पर लगा हम लोगों का आरटी और पीटी सेंसर। यह सेंसर जो होता है इस पावर रिले को सप्लाई देता है, और यह पावर रिले सप्लाई फेस जो होती है सप्लाई कंप्रेसर को आउट करती है। यहाँ पे कमर मिल गया फेस, और ये हो गया स्टार्ट, और ये हो गया रन। एक कैपेसिटर में यहाँ से मिल गया रन, यहाँ से मिल गया स्टार्ट, समझा रहे ना। तो ये कंप्रेसर क्या हुआ 3 मिनट के बाद, ठीक ना, जब यहाँ से ये रिसीवर है, जब हम रिमोट द्वारा इसको ऑन करते हैं, या पावर बटन द्वारा जब इसको ऑन करेंगे, और कूलिंग मोड पर जब करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सेंस करता है, और सेंस करने के बाद इस आईसी को सप्लाई देगी, और आईसी क्या होती है इनके माध्यम से होते हुए इस पावर रिले में, यहाँ पर हम बताए थे अभी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉइल लपेटा क्या होता है, इस कॉइल के माध्यम से रिले क्या होता है चलता है, आना पड़ता है, समझा ना। जैसे ही कॉइल में डीसी सब मतलब ये पीसीबी प्लेट के माध्यम से डीसी भाग है, जब आईसी सप्लाई इधर आएगी, जैसे ही आईसी सप्लाई इधर आएगी, तो कंप्रेसर 3 मिनट समय लगता है, कितने मिनट, 3 मिनट। 3 मिनट के बाद जो है कंप्रेसर जो होती है ये पावर रिले इसको ऑन करती है, और ये पावर रिले सप्लाई इसको यहाँ पे इनपुट है और डेटा है आउटपुट है, इसके माध्यम से कॉइल में सप्लाई जब तक रहेगी तब तक ये चलेगा, कॉइल में सप्लाई हट गई ये आउटपुट होना क्या होगा, बंद कर बंद हो जाएगा, यही रिले का कॉइल है, समझा गया ना। उसी माध्यम से कंप्रेसर हम लोग ऑन हो जाएगा। अब इधर जो होता है, अब मान लीजिए हम जब भी रिमोट द्वारा कंट्रोल करेंगे, यह डीसी विभाग इधर भी सप्लाई जाएगी, क्या होगी अंदर अंदर सप्लाई, इधर भी क्या हो रही है आ रही है फेस सप्लाई। मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों का फेस सप्लाई है, यह क्या है फेस, यह फ्यूज, मान लीजिए फेस सप्लाई है, फेस सप्लाई जाकर यही पर रुकी रहेगी, क्या रहेगी
सबके यहाँ जाके रुकी रहेगी। यह सप्लाई तभी आउट करेगी जब यहाँ रिले पर सप्लाई हम लोग को क्या होगा, इसमें क्वाइल लगा होता है, क्या लगा होता है, क्वाइल। क्वाइलों पर सप्लाई जैसे ही मिलेगी इन पर तो यह फ्रेश सप्लाई कनेक्ट हो जाएगा और आगे की तरफ मान लीजिए हम लोग को स्पीड वन करना है, रिले वन पर यूट्यूब की सप्लाई देखिए डायरेक्ट जा रही है नहीं जा रही है, और जैसे ही फिर सप्लाई यहाँ पे आके होल्ड है और जैसे ही रिमोट पर हम कंट्रोल करेंगे तो आई ये रिसीवर कैच करता है और ये आईसी के जरिए सप्लाई रिले वन पर सप्लाई जाएगी तो यह फैन का वन स्पीड पर घूमता है, ठीक है। ऐसे ही करते करते हम 3 स्पीड तक इस पर क्या करते हैं सप्लाई दे सकते हैं जी रिमोट के जरिए, ठीक है। और उसको डायरेक्टली रिले जो होती है मोटर को ऑन करने का कार्य करेगी और ये रिले 4 है मतलब सिंग मोटर के लिए, इसके लिए सिंग मोटर के लिए फेस न्यूट्रल की सप्लाई देखिए डायरेक्ट पहुंच रही है और फेस की सप्लाई किसके माध्यम से आ गई, रिले के माध्यम से। जैसे हम इस डिस्प्ले में सिंग मोटर का ऑप्शन दबाते हैं है ना रिमोट के द्वारा ये कैच करती है और कैच करने के बाद सिंग मोटर को ऑन करने का कार्य करती है, मतलब जितना सिस्टम है सब रिमोट के खेले और रिमोट हमारे पास नहीं रहेगा तो यहाँ पर सब बटन दिया गया है, सभी बटन है, टेम्परेचर सेटिंग बटन हो गया, सिंग मोटर का हो गया, मतलब तमाम प्रकार के जो बटन होते हैं आप जैसे चारों को वैसे बता सकते हो और यही जो है सिस्टम है, इसमें जो भी खराब है ब्रजर है, जब भी आप रिमोट दबाएंगे ब्रजर क्या होगा टी 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 की आवाज आने लगेगा, सुन ना रहेगा एक बार दबाए तो एक बार ही आवाज आएगा, ठीक है। तमाम प्रकार की सब इसमें प्रक्रिया दी गई हुई और ये ब्रजर बजता है, जब भी हम रिमोट द्वारा कोई भी कंट्रोलिंग सिस्टम करते हैं तो ये ब्रजर क्या होता है बजता है। आरटी मतलब ये रूम टेम्परेचर सेंसर जो कार्य होता है कि रूम के अंदर का जो हवा होती है ना, रूम के अंदर की क्या होती है हवा, वो जब टकराती है सेंसर पर तो हम रूम का टेम्परेचर जो होता है 16 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर क्या करते हैं चेक करते हैं, सुनना है ना। अभी टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया है, हम मान लीजिए 20 पर सेट किए हैं, क्या किए हैं 20 पर, और 20 से जैसे ही सप्लाई मतलब टेम्परेचर क्या होगा रूम का डाउन होगा लगा होता है, अधिक ज्यादा कूलिंग हो जाएगा और एवोपरेटर में जो टेम्परेचर है अधिक मतलब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो उस चीज पे सेंस करता है और सप्लाई क्या कर देता है ये दोनों सेंसर को भी हम लोग ध्यान से चेक कर लेंगे, ट्रांसफार्मर को चेक कर रहे हैं, सप्लाई को एसी और डीसी भाग में बदलता है, हम जब भी चेक करने आते हैं तो सप्लाई यहाँ तक हमारे ट्रांसफार्मर यहाँ इस डायरेक्ट हम सप्लाई यहाँ पे चेक करेंगे, आईसी गया रेक्टिफायर विभाग गया, अभी सप्लाई यहाँ पे 220 वोल्ट या 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है, 12 वोल्ट प्राप्त होगी तो 12 वोल्ट की सप्लाई एसी प्राप्त होगी तो हम समझ लेंगे कि ये विभाग पूरा क्या है सही है। बाकी यही से आधा विभाग एसी और आधा विभाग डीसी, तो डीसी भाग यही सब चेक करना होगा। अब डीसी भाग का जो मल्टीमीटर का पॉइंट हुआ डीसी पर करेंगे, समझा रहे ना, सबको बारी बारी सब लोग चेक करेंगे सप्लाई इधर आउटपुट कितना मिल रहा है, किसी भी 5 वोल्ट किसी 8 वोल्ट 12 वोल्ट इस तरह सप्लाई क्या होती है मिलती रहती है, तो डीसी भाग में आपको इधर नॉर्मली चेक कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर भी हम लोग चेक करना होगा तो ध्यान से चेक करेंगे क्योंकि 220 वोल्ट की सप्लाई इधर है, ठीक ना। इधर हाथ अपना टच ना करिएगा, इधर हाथ हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक ना, इधर 12 वोल्ट की सप्लाई है कोई दिक्कत नहीं, हाथ से मतलब कोई भी ऐसी हीट हो रही है उसको हाथ से नॉर्मली टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी कोई कभी पिछले वाले एसी जो है नहीं चल रही है कि यहाँ लगा हुआ फ्यूज, ठीक ना, इस फ्यूज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो भी डिवाइस है सब चलेगा और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप एक एक पॉइंट को चेक करेंगे और आवश्यकता के अनुसार क्या कर देंगे बदल देंगे, ठीक है। समझे कुछ उससे बेटर था ये वाला, हाँ जी अपने माइंड का है ना, किताबी नहीं।